सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सो इस आज की वीडियो में फुल रिव्यू करूंगा यामा एफ जी एक्स का, लेकिन रियल लाइफ रिव्यू नहीं, ये जो है एक वर्चुअल रिव्यू होगा जिसको देखने में मज़ा आएगा आपको भी। सो एंजॉय करो इस वीडियो को, फर्स्ट टाइम जो है ऐसा होने वाला है। सो चलिए शोरूम के अंदर चलते हैं, यामा के डिजिटल शोरूम के अंदर, और फिर देखते हैं कि बाइक्स यहाँ पे आई है या फिर नहीं आई, बिकॉज मेरे यहाँ पे शोरूम पे आई नहीं है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे भी बाइक आई या फिर नहीं आई। तो चलिए चलते हैं शोरूम के अंदर। फर्स्ट स्टेप जैसे ही मैं लेता हूँ तो मैं आ जाता हूँ इनके मेन गेट पे, कॉल ऑफ द ब्लू। सो यहाँ पे आप चेक करो, अभी चलता हूँ मैं और अंदर और फिर देखता हूँ। तो अभी तक जो पर्दा दिख रहा था वो जो है यहाँ पे हट चुका है, दोनों स्कूटर और जो है दोनों बाइक्स यहाँ पे आ चुकी है। सबसे पहले चलते हैं इस ब्लू कलर के पास। ब्लू कलर के पास जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे जो है आप चेक करो, ब्लू कलर अपना खड़ा हुआ है एफ जी एक्स का, और साइड में जो है फेसिनो भी खड़ा हुआ, तो इसके बारे में तो क्या ही बात करूँ। तो यहाँ पे जो अभी बात करते हैं एफ जी एक्स के बारे में। सो ये जो है गाइस इसका एक स्पेशल एडिशन है जिसमें कुछ एसेसरीज भी लगी हुई है। सो यहाँ पे क्या है कि आपको एक तो जो सीट है वो लेदर में मिलती है, एंड यहाँ पे जो टैंक है वो कुछ ज़्यादा ही ग्राफिक्स के साथ में दिया गया है नॉर्मल के कंपेयरिंग में। तो ये जो वेरिएंट है ये जो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, 1.20 लाख से करीब एक शोरूम प्राइस इसकी। और अभी चलो अपने नॉर्मल एडिशन की तरफ, तो यहाँ पे जो है आप चेक कर सकते हो गाइस, ये है अपना नॉर्मल वेरिएंट। यहाँ पे जो है आपको सिंपल कलर्स मिलेंगे, लाइक जो है येलो कलर आपको मिल जाता है, ये ऑरेंज ऑरेंज सा दिखता है थोड़ा सा, एंड मैट ब्लू कलर मिल जाता है, मैट ब्लैक मिल जाता है। सभी की वीडियोस काफ़ी जल्दी आएगी आपके लिए। तो अभी जो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। तो स्टार्टिंग से यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आप फ्रंट से चेक करो, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको इसमें मिलती है, प्रोजेक्टर हेडलाइट जो कि आपको MT15 मिलती है वही। यहाँ पे आपको 3 DRLs मिलती है राउंड शेप में, और नीचे की तरफ जो है इस चेक करो, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हमें मिल जाते हैं जिसके बीच में एक रबड़ का जो है सस्पेंशन टाइप यूज़ किया गया है, रबड़ स्प्रिंग यूज़ की गई है जिसकी वजह से डस्ट नहीं जाएगी इसके अंदर, और जो इसकी लाइफ है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब लीकेज के जो है चांसेस नहीं होते। टायर्स चेक कर सकते हो, ऑफ रोडिंग टाइप जो है टायर दिए गए हैं, एंड जो टायर साइज है वो जो है हैंडेड सेक्शन का है, और यहाँ पर मडगार्ड के ऊपर भी जो है एक पिन सी दी गई है, यहाँ पर चेक करो तो ये भी जो है काफ़ी आपकी जो है बाइक को सेफ रखती है। अभी साइड में चल लेता हूँ, तो साइड में जैसे ही मैं चलता हूँ तो पूरा साइड व्यू आपको दिख जाता है। तो यहाँ पे आप चेक करो फ्रंट में जो आपको डिस्क ब्रेक मिलता है विद ABS, सिंगल चैनल ABS है, ड्यूअल चैनल ABS के साथ में जो है FGX आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे जो इंजन यूज़ किया गया है वो FG V3 का है, लगभग 150 cc का, जो कि 5-speed के गेयरबॉक्स के साथ में आता है, 50 से 60 तक की माइलेज देता है। तो इसका भी माइलेज टेस्ट करेंगे, जल्दी करेंगे, एंड यहाँ पे जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना उसके लिए। अभी जो है इस कुछ लोग बोल रहे थे इसकी सीट के बारे में कि भाई सीट मोटी है, तो सीट मोटी है उसका एक सिंपल सा रीज़न है यार, कम्फर्ट चाहिए तो सीट की कुशनिंग भी जो है थोड़ी सी ज़्यादा वो करनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इसके लुक्स के साथ में सीट की। बट यार इतनी भी बेकार नहीं लग रही है, मेरे को तो अच्छी लग रही है, मतलब एक तरह से जो है दूर से ही लग रही है कि हाँ भाई सीट, मतलब अभी मैं इस पे बैठा नहीं हूँ लेकिन फिर भी जो देख के लग रहा है कि कंफर्टेबल है, जैसे कि अपने को मीटियोर में लगती थी या फिर जो हाईनेस में लगती थी, तो वैसे ही जो है यहाँ पे भी कंफर्ट पे जो है थोड़ा सा ध्यान दिया गया है, कंफर्ट जो आपको अच्छा खासा मिलेगा। टैंक जो अपना वही इंस्पायर्ड है XSR से, FGX की बेजिंग है, और कलर आप चेक करो कलर भी अच्छा खासा दिया गया है, ड्यूअल टोन में जो है ड्यूअल कम्बिनेशन जो आपको टैंक मिलेगा, ऊपर की साइड में जो स्ट्रिप मिलती है ब्लैक कलर की, और साइड में साइड पैनल पे जो यामा का आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगा। साइड में जो है आपको ये लग रहा है कि भाई इंजन के ऊपर कि आपको यहाँ पे जो है लिक्विड कूलिंग या ऑयल कूलिंग मिलेगी, बट यहाँ पे लिक्विड कूलिंग ऑयल कूलिंग कुछ भी नहीं है गाइस, यहाँ पे आपको एयर कूलिंग मिलेगी, बिकॉज इतना बड़ा इंजन नहीं है कि भाई इसके लिए लिक्विड कूलिंग का यूज़ किया जाए। FG V3 वाला इंजन है, सो यहाँ पे काम चला देता है एयर कूलिंग। तो आप जो है पीछे की साइड में चेक कर सकते हो, ये जो अपनी सीट है तो सीट कंफर्टेबल है यार। अभी मैं पीछे चलता हूँ बाइक के बिल्कुल, तो जस्ट पीछे मैं जैसे ही आया तो मेरे को एक चीज़ ने थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड किया, वो थी इसकी ग्रैब रेल। ग्रैब रेल जो थोड़ी सी सिंपल दी है इन्होंने, थोड़ी सी स्टाइलिश दे देते, थोड़ी सी प्रीमियम दे देते तो अच्छी लगती है, बिकॉज यहाँ पे आज के टाइम में ये पाइप वाली मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी ग्रैब रेल जो अच्छी नहीं लगती। और टेल लाइट जो अपनी LED में है पूरी, आप चेक करो टेल लाइट जो है फुली LED में है, और पीछे जो है कुछ ऐसा लुक्स है, टायर अगर वगैरह जो है दे दिया गया बाइक में, टायर साइज भी जो काफ़ी अच्छा है, पीछे जो डिस्क ब्रेक भी रखा गया है। और अभी जो है मैं साइड से देखता हूँ तो बिल्कुल वैसे ही लग रही है जैसे उस साइड से, बट यहाँ पे जो है टैंक आप अच्छे से देख पाओगे अब,
जो टैंक के ऊपर से उसका जो ड्यूअल टोन कलर है वो आप चेक करो। अभी चलता हूँ वापस से फ्रंट में। फ्रंट में चलने से पहले आपको बता दूँ, इसमें जो आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है जिसमें कि आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको चाहिए सिर्फ गियर इंडिकेटर को छोड़ के। तो गाइस ये था एक छोटा सा इसका वर्चुअल रिव्यू। इधर की साइड में कमिंग सून जो है लिखा हुआ है, मतलब जो है अभी और भी इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो आने वाले हैं, ये चेक करो कमिंग सून। तो सभी के जो है डिटेल्स आपको काफ़ी जल्द देखने को मिलेगी अपने चैनल पे जब भी कोई इनका नया प्रोडक्ट आएगा। तो जल्दी से आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते हैं किसी भी नए व्हीकल के बारे में। सो गाइस आज की वीडियो में यही था। प्राइस आपको पता है 116,800 से स्टार्ट होकर 119,800 तक जाती है। एक शोरूम जो अपना यामा कनेक्ट ऐप के साथ में जो आता है इसका मॉडल, वो जो है थोड़ा सा महंगा है 2000, और जो विदाउट उसके आता है तो वो ये वाला है, ये जो है 2000 रुपये सस्ता पड़ता है। तो थोड़ा बहुत फ़र्क है उसमें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा टॉप मॉडल लो, 2000 रुपये में आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं कि आपकी बाइक जो है खुद ही बताएगी कब फ्यूल आपको जो है चेंज कराना है, मतलब फ्यूल नहीं आपका जो इंजन ऑयल है वो कब चेंज कराना है और कितने किलोमीटर जो है चल चुकी है आप जो है उसमें। और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं यार, वो तो जो है रियल लाइफ में ही एक्सपीरियंस करेंगे। अभी जो है आपको एक छोटा सा रिव्यू देना था। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।